होता है कि हम लोग एक HTML की फाइल बनाते हैं, तो HTML फाइल बनाने का तरीका क्या, कोई भी फाइल आप लोग जाके नोट पैड में बनाना चाहे नोट पैड में बना सकते हैं, उसका वे भी मैंने इनिशियल वीडियोज में आप लोगों को गाइड किया हुआ है। और दूसरा ये कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में बनाना चाहे, तो आप सिंपली जाके जिस फोल्डर के अंदर आप मौजूद है आप लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल का नेम .html लिख देंगे तो वो क्या होगी, वो फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा आ जाता है कि हम लोगों ने उसको फर्दर किस तरीके से उसके ऊपर कोड करना है। तो आज हम बेसिकली तो आप लोग जाके HTML, ये मैं अगेन थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अगर HTML लिखता हूं तो ये मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। एक लिखा हुआ है HTML, एक आ रहा है HTML:5, तो आप HTML:5 के ऊपर जाके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ टैग्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इन टैग्स के अंदर हम लोगों ने वर्क करना है, तो इसको हम फर्ज मैंने कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म के टैग अप्लाई करने हैं। फॉर्म बेसिकली है क्या, पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर जाते हैं, फेसबुक का जो साइन अप का जो पेज हमारे सामने अपेयर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पेज है, और मजे की बात है आप फेसबुक के भी देखें तो इसकी फर्स्ट फाइल किसमें बनी हुई है, index.php यानी कि PHP का है। तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये जो मेरे सामने ऑप्शन आ रही है बेसिकली ये फॉर्म है, ये जो मेरे सामने अपेयर हो रही है, टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई उन्होंने उसका बॉर्डर रेड कर दिया, देखिए मैंने उसे फिल नहीं किया, वैलिडेशन फ्रंट एंड पे ही अप्लाइड है। तो ये जो सारे काम हुआ है ये इसका मतलब ये सारा जो मैं इनपुट देने के लिए, आप लोगों ने रीड किया होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, हम लोग जब कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कुछ वर्किंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे पास इनपुट है, कंप्यूटर को कोई भी वैल्यूज देने का प्रोसीजर जो है वो हमारे पास इनपुट काउंट होता है। तो इसी तरीके से अगर मैंने इस तरह के व्यूज बनाने होते हैं तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए पहले हमें इन कंट्रोल्स को हम सेपरेटली रीड करते हैं। तो उसके लिए ये है कि मेन मेरे पास एक होता है फॉर्म का टैग, दो चीजें होती है, एक होता है एक्शन का एट्रीब्यूट, एक होता है मेथड। तो एक्शन क्या है बेसिकली, एक्शन बेसिकली मेरे पास है कि मैं उस फाइल का जो डाटा मेरा फॉर्म के अंदर फिल होगा वो मैं किस फाइल के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो उसको हम एक्शन कंसीडर करते हैं। और मेथड हमारे पास जो फॉर्म होते हैं दो होते हैं, गेट होता है और एक पोस्ट होता है। गेट का मतलब यह है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो, मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मैं अभी अप्लाई करके भी आपको दिखा दूंगा, हम जब PHP में जाएंगे तब मैं आप लोगों को ये वाज़े तौर पे दिखा। तो फॉर्म का टैग आप लोग अभी फिलहाल कमेंट में कर रहा हूँ कि मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इसके फॉर्म के टैग के विदाउट वर्क करूंगा। तो आप लोगों को अगर मैं फॉर एग्जांपल इनपुट के टैग कुछ गाइड कर रहा हूं, इनपुट ये देख रहे हैं इनपुट के कितने आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इनपुट। अब इनपुट का टैग लगाने का तरीका यह है कि स्टार्ट टैग इनपुट टाइप के इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए मेरे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। इसी तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूं ये देखिए मेरे पास वही टाइपिंग हो रही है, अगर मैं इसको आगे फर्दर यूज कर सकता हूं, ये जो अंदर इसकी चीज टाइप हो रही है इसको हम इसकी वैल्यू बोलते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे एक बटन ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो इनपुट के डिफरेंट कंट्रोल्स मैं बताता चला, इनपुट इनपुट टाइप सबमिट कर दूं और वैल्यू उसको देंगे, वैल्यू बेसिकली क्योंकि सबमिट का मतलब है बटन, तो अब वैल्यू क्या चीज है उस बटन के ऊपर लिखा हुआ ऑनलाइन टैक्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लिख देता हूं सेव, ये देखें जी
टेक्स्ट बॉक्स के सामने ही बटन आ गया है। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कल कि मुझे आप लोग बताएंगे कि कुछ कौन कौन से टैग्स इनलाइन है, कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनपुट टैग क्या है, चैट में मुझे जल्दी से बताएं, ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट। इसी तरीके से इनपुट टाइप सर्च, सर्च बेसिकली हमारे पास सर्च बार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका बिहेवियर सेम वैसा ही है टेक्स्ट बॉक्स जैसा, ठीक है। बट कुछ वेब ब्राउजर में जब जाते हैं तो वहां पर यहाँ होता है कि हमारे पास एक फेविकॉन आ जाता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की ऑप्शन होती है, वो हमारे पास ओपन हो जाती है। अगर इसी की अगर मैं एक और टाइप है इनपुट की, इनपुट टाइप ईमेल, तो ये बेसिकली ये भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है। मैं कहता ना सेपरेट लाइंस पे ले जाने के लिए यहाँ पे बीआर का टैग ऐड कर रहा हूँ, बीआर टैग फॉर ब्रेक लाइन। इनपुट टाइप पासवर्ड अगर कर दें, ये कुछ के अंदर ये नेम और आईडी का एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ये आप लोग इससे परेशान ना होइएगा। ये नेम बेसिकली किसी भी कंट्रोल का नाम रखने के लिए इस्तेमाल होता है, आईडी भी सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाय आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन के जरिए हम लोग किसी भी कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस है जो मेजर है, आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइपिंग की टेक्स्ट आ रहा है, सर्च वाले के अंदर हमने टाइपिंग की वो भी टेक्स्ट ही आ रहा है, बट सर्च वाले के अंदर एक ऑप्शन है कि अगर मैंने जो टाइप की उसको मैं रिमूव करना चाहता हूं तो कट की ऑप्शन है, वो मेरा सारा रिमूव हो जाता है। बट यहाँ पे इस तरीके की कोई ऑप्शन नहीं है टेक्स्ट के अंदर। ईमेल वाले के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट ईमेल वाले के ऊपर ये देखें हॉवर मैंने करके रखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट, क्योंकि आप लोगों को पता है ईमेल क्या होती है, किसी भी ईमेल के अंदर एट द रेट लाजमी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने अपनी ईमेल जो बताई हुई है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, मिस्टर अंडरस्कोर लोथी 55 एट द रेट yahoo.com, इट्स मीन्स के ईमेल के अंदर एट द रेट आता है, एट द रेट के बाद हमारे पास कह रहा होता है उस सर्वर का नेम आ रहा होता है जिसके ऊपर वो सबमिट होनी है, ठीक है। यानी कि मेरा याहू पे है, ठीक है, जी मेल, ठीक है, हर किसी की। तो इस तो एक जनरल अगर रूल में अंडरस्टैंड करने की बात करूं तो उसके अंदर क्या है कि पहले टेक्स्ट, यानी कि जितना भी टेक्स्ट है अनलिमिटेड टेक्स्ट कह लें, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है ईमेल के स्टार्ट में टेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद एट द रेट आएगा, उसके बाद सर्वर नेम आएगा, वो जितने भी करेक्टर्स हैं, एक है, दो है, पांच है, दस है, सर्वर नेम, फिर उसके बाद डॉट, और डॉट के बाद दो तीन करेक्टर लाजमी होंगे, डॉट कॉम हो गया, डॉट को हो गया, डॉट edu हो गया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लाजमी आता है हमारे पास ईमेल्स में, तो इसका मतलब है एट द रेट और डॉट, ये दो चीजें लाजमी एग्जिस्ट करती हैं किसी भी ईमेल आईडी में। तो ईमेल के अंदर वो देख रहे हैं, मुझे एरर दे रहा है कि आपकी ईमेल के अंदर एट द रेट नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एट द रेट लगा देता हूं, तो क्या हुआ है, वो एरर खत्म हो गया। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट द रेट एंड डॉट। मैंने क्या किया, दो टाइप करेक्टर और कर दी, कुछ भी, ठीक है। अब मैं आउट होता हूं, फिर इसके ऊपर जाता हूं, क्या कह रहा है, अब वो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डॉट
या जो भी कर दें, अब ये वैलिड मेल है, अब वो देखें वो एर, वो रेड लाइन जो आ रही थी वो भी खत्म हो गई है, ठीक है, तो ये अब बिल्कुल वैलिड हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो ईमेल के अंदर लाजमी एग्जिस्ट होती हैं जो हमें जरूर है। फिर इनपुट टाइप पासवर्ड है, उसमें क्या हम जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ किस फॉर्म में आ रहा है, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग बाय डिफॉल्ट इस कैरेक्टर में आता है इनपुट टाइप पासवर्ड। फिर इसी तरीके से हमारे पास इनपुट टाइप चेकबॉक्स तो आप लोगों ने चेकबॉक्स भी आज से पहले कई दफा देखे होंगे, ये चेकबॉक्स है, ठीक है। फिर इनपुट टाइप आप लोगों ने मुकम्मल कोड लिखना है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ हिंट्स के जरिए वर्क कर रहा हूं तो आप लोग इनके जरिए नहीं करेंगे। इनपुट रेडियो, तो ठीक है, तो ये चेकबॉक्स आ गया और ये रेडियो बटन आ गया। बट एक चीज आप लोगों को डिफरेंस दिखा दूं, चेकबॉक्स के ऊपर अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूं अनचेक होता है, चेक हो जाता है, अनचेक हो जाता है, बट रेडियो बटन में ये बिहेवियर नहीं है, उसके ऊपर आप एक दफा क्लिक करते हैं चेक हो गया तो वो अनचेक नहीं होता, उसको अनचेक करने के लिए होता है। ये हमेशा कहीं पे भी इस्तेमाल होता है जब रेडियो बटन, तो ये ग्रुप के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है ये आप उनमें से एक ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट हमने करनी है, तब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं रेडियो बटन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर का और एक कंट्रोल है हमारे पास लेबल, मैं कुछ आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा बट अभी मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको कंट्रोल्स के नहीं बता। फिर उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है, लिस्ट है जो कॉमन कंट्रोल्स है, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, तो कुछ हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे भी उसने बता दिया एक्शन है, मेथड है, हमारे पास दो चीजें होती है, टारगेट वगैरह है, ठीक है, इनकोडिंग टाइप है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो ये कुछ है। तो जैसे हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट देख लिया है, चेक बॉक्सेस देख लिए हैं, रेडियो बटन देख लिए हैं, ठीक है, और कुछ जो रह गए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा ही हो जाए, कम ना हो। तो इनपुट के अंदर हमारे पास जो बेसिक है टेक्स्ट के अंदर, वो हमारे पास हो सकता है पासवर्ड हो सकता है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया, मल्टी लाइन टेक्स्ट भी हो सकता है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आप लोगों ने इनपुट लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं रोज एंड कॉलम्स, वो आप लोग अगर अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों के पास मल्टीपल यानी कि लाइंस का अगर इनपुट आपने यूजर से लेना है, ठीक है, तो वो आप जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए चेक बॉक्स हमारे पास मल्टीपल लाइंस के अगर इनपुट मैंने लेनी है तब मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे कमेंट वगैरह के लिए आप लोगों के पास मोस्टली आ रहा होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के लिए आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई, नेम क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू क्या चीज है, वैल्यू बेसिकली उस कंट्रोल के अंदर मौजूदा वैल्यूज जो होती हैं वो होती है, साइज आप उसकी हाइट विड्थ वगैरह को मैनेज करने के लिए आप लोग साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैक्स लेंथ बेसिकली उसके अंदर टाइप होने वाला है जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, मल्टी लाइन के लिए आप लोग टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करेंगे, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, नेम रोज एंड कॉलम यहाँ पे डिटेल में मौजूद है, चेकबॉक्स कंट्रोल है वो भी हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। जब आपने मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई आपने चेक करनी हो तो उसके लिए आप लोग यानी कि सारी चेक करनी है ये कोई लिमिट ना हो तब हम लोग चेकबॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और रेडियो बटन तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने वन ऑफ देम सेलेक्ट करनी हो। उसकी एग्जाम्पल मैं कुछ ये देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जेंडर का एक बटन बनाना है तो जेंडर का व्यू कुछ किस तरीके से बना होता है, वो हमारे पास होता है और यानी किस चीज के लिए बनाने उसका नेम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इस चीज का लेबल है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता था जेंडर, तो मैंने नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी जेंडर के लिए मैं बना रहा हूँ लेबल, और इसके अगर नहीं भी लगाए ये एट्रीब्यूट फॉर का तो खैर कोई इशू नहीं होता,
मैं यहाँ पे लेबल में लिख देता हूँ जेंडर, एक रेडियो बटन है उससे पहले मैंने लगा दिया है मेल। और इनके नेम सेम रखने हैं, उसके रीजन भी मैं बता, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले वो बाद में रखूंगा मैंने। और उसी लाइन में भी लिख रहे हैं, अगली लाइन में आप लिख दें ईमेल, आपको रिव्यू दिखा। ये देखिए जी, कुछ ऐसे ही होता है हमारे पास जेंडर वाली लाइन के लिए, मैं यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, यूं ही हमारे पास जेंडर आ रहा था, बट होता हमारे पास ये है कि जेंडर के बाद जेंडर का हमारे पास व्यू बन गया। बट अब ये देखिए, ये रेडियो बटन दोनों ही चेक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों बटन्स का भी आपस में कोई लिंक नहीं है। लिंक इनका कैसे होगा? इनका लिंक होने का तरीका ही होता है कि मैं अगर इन दोनों के नाम सेम कर दूं, नेम सेम कर दूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं जेंडर, और इसका नेम भी मैं कर दूं जेंडर, क्या होगा? अब दोनों रेडियो बटन में से एक ही चेक होगा। इसी तरीके से अगर चेक बॉक्स के भी आप नेम सेव कर दें, तो वो एक दूसरे का बिहेवियर, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं अनचेक नहीं होता, बट अगर मैं दूसरे पे जाकर चेक कर दूं तो वो एक चेक दूसरा अनचेक, दोनों में से एक ऑप्शन ऐड हो सकती है क्योंकि इन दोनों के नेम सेम है। फिर हमारे पास और कुछ फर्दर टैग्स हैं, इनपुट टाइप के रेडियो बटन भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, सेम और चेकबॉक्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक इनके अंदर एट्रीब्यूट है चेक्ड, अगर आप उसके जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट सेट कर देंगे चेक, इसका मतलब है वो चेक्ड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जिस टाइम अप्लाई किया था इस कोर्स के लिए, तो वहां पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन बात थी कि मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ सब्जेक्ट्स, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लिख दूं सब्जेक्ट्स, तो अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे लिए पास क्या है, सिलेक्शन का टैग है, उसका नाम आईडी अगर आप रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहते तो उन्हें डेल करते हैं। इन सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस ऐड करते हैं, ऑप्शन मींस के हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं जी, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस थी, तीन, रोजगार, इसी तरीके से एक और ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं, ई रोजगार क्रिएटिव डिजाइन,
नमस्कार वर्चुअल असिस्टेंट वीए में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन ऑप्शंस आ चुकी है, अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास ऑप्शन बार भी आ चुकी है सब्जेक्ट्स के लिए, ई रोजगार टेक्निकल। तो ये हमारे पास क्या है, चॉइस है कि हम सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने इसका टैग क्या बना दिया, अब उन्होंने क्या किया, इस टैग का नाम रखा सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के अंदर यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर उसके अंदर हमारे पास जो चॉइसेस हैं, ठीक है, वो तीन हैं। तो ऑप्शंस हैं वो बेसिक, तो वो ऑप्शंस के अंदर बाय डिफॉल्ट ही जो फर्स्ट होती है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड होती है। तो अगर आप किसी और को सिलेक्टेड, तो उसके अंदर सिलेक्टेड की एक हम ऑप्शन डाल देते हैं तो वो सिलेक्टेड हमारे पास शो हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास चीज थी ऑप्शन, तो हमारे पास तीन ऑप्शन थी, तो उसके लिए उन्होंने टैग क्या बना दिया, ऑप्शन। तो सिलेक्ट के अंदर अगर हम तीन ऑप्शन ऐड करते हैं तो वो हमारे पास तीन ऑप्शन, तो ये सिलेक्ट टैग स्टार्ट हुआ। सिलेक्ट टैग के अंदर हमने तीन ऑप्शन ऐड की, जिसकी वजह से हमारे पास व्यू के अंदर ये सिलेक्ट का टैग आया और ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। जो सी हम सिलेक्ट करते हैं वही सिलेक्टेड होती है, तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है जो हमने आइटम सिलेक्ट की है जी। इनपुट टाइप फाइल अगर आप करेंगे तो उससे ही होगा कि आप लोग को एक फाइल अपलोडिंग करने के लिए कि आपके पास कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनपुट टाइप फाइल आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग इनपुट कलर है, इनपुट टाइप कलर के अंदर हमारे पास आईडी नेम आप जो भी इसको देना चाहे वो, ये आपके पास कलर इनपुट के लिए है। बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वही कलर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, और ये उसका कलर का आरजीबी कोड आ रहा होता है, हमारे पास आरजीबी वैल्यू है जो कि आप सीएसएस के अंदर अब इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या हम लोग आज एक इस उल्टी सीधी चीजें सोचते भी हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ये लगा हुआ इनपुट टाइप कलर हो, मैं बटन प्रेस करूं और ये कलर मेरे पास आ जाए। यानी कि मेरे बैकग्राउंड का कलर यही अप्लाइड हो, पॉसिबल जल्दी चैट में बताएं। ठीक है जी, फाइल अपलोड है, इनपुट टाइप हमारे पास, फिर हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट रीसेट बटन इमेज, ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास बटन अपेयर करवा देते हैं, ये उनकी एग्जांपल है। इमेज के अंदर ये हमारे पास इमेज ही होता है, बट ये बटन की वर्किंग भी हमें परफॉर्म करके दे सकता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक कंट्रोल है हमारे पास हिडन। बेसिकली हिडन कंट्रोल का ये फायदा होता है कि कंट्रोल मौजूद होता है, ठीक है, मगर ये शो ऑफ नहीं हो रहा होता, ठीक है, ये हाइड है बट ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसी वैल्यूज जो कि हमने शो ना करवानी हो तो हम इसके साथ बाइंड कर देते हैं और बाद में इससे वैल्यूज वो वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 10 की वैल्यू है, तो अगर मैंने इसका नाम रखा हुआ है पेज नेम, तो पेज नेम डॉट वैल्यू अगर मैं करूंगा तो ये मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ कंट्रोल्स थे, इसको आप लोग रीड करेंगे और अपने पास इंप्लीमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास HTML5 की कुछ इंट्रोडक्शन वो करवा रहा है। HTML5 क्या है, उसके अंदर कुछ जो न्यू टैग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, सेक्शन है, आर्टिकल्स है, साइड है, हेडर, फुटर, नेविगेशन। तो कुछ लोग बार बार मुझे कह रहे थे नेविगेशन क्या है, दिस टैग रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इंटेंट फॉर नेविगेशन, कि आप नेव टैग के अंदर जितने भी, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इंटरनेशनली जो कि इस्तेमाल हो रहा है कि आप लोग नेव टैग के अंदर ही इस्तेमाल करें क्या चीज,
नेविगेशन बार यानी मेन्यू बार जो आपने बनाना है वो नेव टैग के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। हेडर टैग के अंदर हेडर बनाएं, यानी कि आप लोगों की वेबसाइट का जो टॉप साइड पे आपके पास व्यू आ रहा होता है हेडर, वो हेडर टैग के अंदर, और फुटर हमेशा फुटर के टैग के अंदर बनाएं। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टैग रख दिए जिसको आप देखते ही अंदाजा लगा लो कि ये हेडर है, फुटर है या क्या चीज है, ठीक है। तो इनका और कोई इशू नहीं है, यानी कि उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस का नाम रखने के लिए ये इस्तेमाल किए हैं और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद ये आप लोगों के पास ये फॉर्म के कुछ इनपुट जो HTML टैग्स थे, ठीक है, HT टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो, यानी कि कुछ फॉर्म के टैग थे, इसलिए मैं जल्दी से इस फाइल पे आप लोगों को लेके फाइल इमेज हिडन सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया बटन, तो ये आप लोगों ने इस्तेमाल किए। बट HTML 5 के अंदर कुछ और टैग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल डेट मंथ वीक टाइम नंबर, तो ये कुछ ईमेल यूआरएल, तो ये कुछ न्यू टैग्स हैं जो कि HTML 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो आप लोग ये भी इंप्लीमेंट करके चेक करें, ये मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। जल्दी से अब आप लोग इनको इनपुट टाइप जस्ट चेंज करनी है आप लोगों ने, तो ये जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस करें जी। इस तरह की अगर वीडियो का टैग आप ऐड करें उसको अंदर वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल ऑटो प्ले वगैरह सेट कर दें, वीडियो की टाइप मेंशन कर दें और सोर्स लिख दें, तो उससे यह है कि आपके पास वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर इन केस ऑफ वीडियो प्ले नहीं होती, उसके रीजंस कुछ हो सकते हैं कि आपके वेब ब्राउजर में नहीं होता, उसके लिए है कि आप लोग ये आपका वेब ब्राउजर जो है वो वीडियो टैग को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए है कि अक्सर पुराने वर्जन जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए है कि आप लोग अगर इस तरीके से अपनी वीडियो अटैच करेंगे तो ये आपके पास उसको वीडियो को अटैच करेगा और उसे प्ले भी करेगा, उसके अंदर आप लोग ऑटो प्ले कंट्रोल्स और ये डिफरेंट हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स वीडियो के मौजूद है जो कि ऑटो प्ले है, जिनके अंदर जो कि हम लोग वीडियो को बुलियन वैल्यूज के अंदर सेट करते हैं कि ये बिगिन हो, कि ऑटो बफर भी सेट करते हैं, कंट्रोल यानी कि वो जो उसके ऑप्शंस आ रही होती हैं लूप अगर वो बार बार चलाने के लिए, उसके लिए प्री लोड पोज, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम वीडियो में ऐड करके वीडियो टैग के अंदर उसको फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, अब अपने पास वीडियो अप्लाई करके चेक करें जी। बेसिकली मैंने एक यहाँ पे वर्किंग की है, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का कोड किया है। बेसिकली मैं फंक्शन का गाइड करना चाह रहा था कि मैंने आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट दी है कि आप लोग HTML वेब इवेंट्स देखें, कीबोर्ड इवेंट्स, माउस इवेंट, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि वेब के कौन कौन से इवेंट और वेब पेज के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कि किस इवेंट के ऊपर मैं क्या एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बारे में एक वर्ड मैं अगर कहना चाहूँ कि जावास्क्रिप्ट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, तो इवेंट ड्रिवन किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर मैं कोई स्पेसिफिक टास्क करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने एक इनपुट टाइप कलर का एलिमेंट ऐड किया है जिसको मैंने नेम दे दिया है BG कलर और ID दे दिया है BG कलर का, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने एक बटन लगाया इनपुट टाइप सबमिट जिसके ऊपर टेक्स्ट मैंने लिखा है चेंज बैकग्राउंड और ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कलर चेंज का अटैच किया है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने फंक्शन लिखा है और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा ये है फंक्शन, फंक्शन के बाद फंक्शन का नेम कलर चेंज जो कि मैंने ऑन क्लिक के साथ बाइंड कर दिया है। फिर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉडी को मैंने जो आईडी दिया हुआ वो उस मैंने बॉडी को असेस किया है डॉट स्टाइल बॉडी के अंदर स्टाइल और डॉट बैकग्राउंड कलर उसको बैकग्राउंड कलर दे दे इक्वल कलर मैं कौन सा देना चाह रहा हूं, मैं इनपुट टाइप कलर से जो कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूं वो दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बीजी कलर डॉट वैल्यू एंड सेमीकोलन मैंने लिख दिया जिससे क्या हुआ है कि उसने बैकग्राउंड कलर लिया है हमारे पास इनपुट टाइप कलर से और किसको असाइन कर दिया है बॉडी को। तो इसको मैं इसकी एग्जीक्यूशन भी आपको दिखा देता हूं जी। ये मेरे पास व्यू है कोड का, ये मैंने इंस्पेक्ट टूल में किया हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से जो भी कलर सिलेक्ट करके चेंज बैकग्राउंड का बटन दबाता हूं तो वो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर वही कलर इंप्लीमेंट कर देता। ठीक है जी, तो आप भी इस कोड को इंप्लीमेंट कीजिए, कोड अगेन आप देख लीजिए। एट द एंड इस लाइन के एंड पे वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू सेमी कॉलन। जी आपके पास एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल। नल मींस के उसके पास तो ये वैल्यू ही नहीं है। अब आप वापस कोड में आओ, सॉरी आपने लिखा
ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बीजी कलर, ठीक है जी, डॉट वैल्यू। आपने ना यहाँ पे आईडी देते हुए स्टार्ट में एक ब्लैंक स्पेस दी हुई है आईडी के अंदर, बीजी कलर के टॉप पे आओ yes. पे लिखा हुआ यहाँ पे ये नहीं इनपुट टाइप कलर के अंदर, इनपुट टाइप कलर, यस सर, ये स्टार्ट में ब्लैंक स्पेस ऐड खत्म करो, सेव करो, अब रिफ्रेश करो सेव करके, सेव नहीं हुई आपकी फाइल, अब हो गई है, रिफ्रेश करें, अब करें, ओके सर, डन हो। रीजन ये था कि सर जी ओके ठीक है, रीजन ये कि आप जिस वक्त भी कोई काम करते हो तो उसका ना आईडी नेम वगैरह, क्योंकि ब्लैंक स्पेस इज आल्सो अ करेक्टर, ठीक है, स्पेस एक करेक्टर है, तो उस करेक्टर की वजह से वो नहीं कर रहा था, तो आप नेम जो रख रहे हैं तो आप उसको स्टार्टिंग विद करेक्टर करें, कल हमने नेमिंग कन्वेंशन उसके तहत करें, ठीक है जी, ओके।